और इसे एक बार चला देते हैं और इसमें खोल आने के लिए 5 मिनट छोड़ देते हैं। एक बार खोल आ जाएगा फिर मैं गैस बंद करके इसमें धनिया पत्ता डाल के गैस बंद कर दूंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू दीप सावन ट्यूब। आज मैं आप लोगों के लिए ठंडी में बहुत अच्छी रेसिपी लेकर आई हूँ। मतलब कॉमन सा मछली तो सबके घरों में बनता ही है, तो आज मैं उसे ठंडी में कैसे बनाते हैं हम लोग, तो समझिए एक बंगाली तरीके से, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं मछली कैसे आज बना रही हूँ। तो आइए मेरे साथ आके। तो ये है मछली जो आज मैंने लिया है, ठीक है। और ये कौन सी मछली है आप लोग जरूर बताएंगे, देख ले ये कौन सी मछली है, मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये कौन सी मछली है, ठीक है। और ये बाकी सारे मछली बड़े वाले मछली की पीसेज हैं। और आज मैं इस मछली को ये आलू इस तरह से मैंने किया है, ठंडे के दिनों में छिलका वाला आलू अच्छा लगता है, नया नया आलू, तो ये आलू और गोभी डाल के बनाऊंगी। तो और प्याज वगैरह भी डलेगा तो मैं वो सबको कट करके दिखाती हूँ और मसाला पीस के आके आपको बाकी के आगे का सारा प्रोसेस मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये सारा चीज मैं कर लेती हूँ फिर आपको मिलते हैं। थोड़ा मसाला जो मैंने पीसा है, जीरा आदि गरम मसाला थोड़ा सा और प्याज डाल के मैंने इसे पीस लिया है। तो अब मैं इसमें हल्दी डाल देती हूँ एक चम्मच, ठीक है, एक चम्मच से थोड़ा ज्यादा, ठीक है। और इसमें थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं, आप लोगों को जितना नमक खाना पसंद हो आप लोग उतने हिसाब से डाले। तो मैं एक चम्मच और ये आधा चम्मच नमक डाल दूंगी इसमें, ठीक है। अब मैं इसे मिलाकर छोड़ देती हूँ। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल देती हूँ कलर के लिए, देखिए लगभग 2 चम्मच, ठीक है। अब इसे भी मिला लेते हैं। तो कढ़ाई गर्म हो गया है, मैं इसमें अब तेल डाल देती हूँ, मैं थोड़ा सा डाल चुकी थी तो अब मैं और डाल देती हूँ इसमें और मछली इसमें फ्राई कर लेंगे, ये देखिए, ठीक है। तो ये गर्म हो जाएगा फिर मैं इसमें मछली फ्राई करूंगी। तो ये मछली में मैंने नमक नहीं डाला था, सिर्फ हल्दी लगा के रखी थी, तो अब मैं नमक डाल देती हूँ। तो एक चम्मच लगभग नमक इसमें डाल देते हैं और इसे मिला के तेल में फ्राई कर लेते हैं अब। तो इस तरीके से जो है नमक को मिला लेते हैं अच्छे तरीके से पूरा टॉस करते हुए, ताकि अच्छे से नमक मिल जाए। तो अब मैं इसे फ्राई कर लेती हूँ, आइए मेरे साथ आगे। सबसे पहले तेल गरम हो गया है तो मैं पहले ये मछली को इसमें डाल देती हूँ, जो मैंने मछली का नाम आप लोगों को पूछा है, तो इसमें डाल देते हैं और अब पीस डाल देते हैं इसमें। एक तरफ का ब्राउन हो गया है मछली, देख लीजिए कितने अच्छे से फ्राई। तो मैं अब इसे पलट देती हूँ, ये देखिए, ये देखिए, ठीक है। इसी तरह से मैं सारे मछली को पलट देती हूँ। तो ये देखिए ये वाला कढ़ाई गर्म हो गया है, तो मैं इसमें तेल डाल के और गोभी आलू को फ्राई कर लेती हूँ। तो पहले मैं थोड़ा सा तेल डाल देती हूँ और इसमें पहले गोभी फ्राई कर लेते हैं, जो मैंने फूल गोभी को कट करके रखा था। तो ये देखिए तेल अच्छे से गर्म है, तो मैं इसमें फूल गोभी डाल ही देती हूँ अभी। अब इसे चला देते हैं, और इसे अब चला देते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो ये मछली अच्छे से फ्राई हो गया है, ये देखिए पूरा लाल लाल से, तो मैं मछली को निकाल लेती हूँ। अच्छा ठीक है, रुक जा रुक जा, हम करते हैं ना, इधर इधर देखो। तो ये मछली मैं निकाल लेती हूँ, ये देखिए, ठीक है। तो ये देखिए ये सारा मछली फ्राई करके मैंने निकाल लिया है, अब इसी तरह करके और भी सारा मछली को फ्राई कर लेते हैं। ये सारा मछली है ना, इसे भी मैं डाल डाल के एक एक करके फ्राई कर लेती हूँ, ये देखिए। तो ये देखिए गोभी जो है अच्छे से फ्राई हो गया है, अब मैं इसे निकाल लेती हूँ, ठीक है, और आपको दिखाती हूँ फिर। अब मैं इसी तेल में जो है आलू को फ्राई कर लेती हूँ, ये देखिए। और इसे चला देती हूँ एक बार अच्छे से। तो आलू भी अच्छे से जो है फ्राई हो गया है, ये देखिए, तो मैं आलू को भी निकाल लेती हूँ।
इसी तरह से मैं सारे आलू को निकाल लेती हूँ और इसमें तेल डाल के फोरन डाल देते हैं और मसाले को फ्राई कर लेते हैं। तो अब मैं इसमें तेल डाल देती हूँ, ये देखिए, और इसमें फोरन डाल देंगे उसके बाद तेल गर्म जब हो जाएगा अच्छे से। तो इतना तेल काफी है, ठीक है। तो अब मैं इसमें इसे गर्म होने दे देती हूँ थोड़ी देर। तो ये तेल गर्म हो गया है तो मैं इसमें फोरन डाल देती हूँ। तो पचफोरन में मैंने लिया है जीरा थोड़ा सा, एक मिर्ची और थोड़ा सा तेजपात एक दो, तो मैं इसमें डाल देती हूँ। ये देखिए, ये चटक जाएगा तब तो मैं इसमें प्याज डाल दूंगी और इसे पहले एक बार चला लेते हैं। और अब इसमें प्याज डाल देते हैं। ये प्याज है, मैंने दो प्याज कट करके रखा है। तो ये देखिए, प्याज जो है अच्छे से फ्राई हो गया है, एकदम पूरा लाल लाल। तो मैं अब इसमें मसाला डाल देती हूँ। ये देखिए, पूरा प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है तो मैं इसमें मसाला डाल देती हूँ, जो मैंने सारा मसाला मिला कर रखा है। इसे चला देते हैं अच्छे से। तो ये देखिए, मसाला जो है अच्छे से फ्राई हो गया है, साइड से पूरा तेल छोड़ने लगा है। तब मैं इसमें आलू और फूलगोभी जो फ्राई करके रखा था वो डाल देती हूँ इसे, और इसके साथ ही फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, गोभी और आलू जो है इसमें अच्छे से फ्राई हो गया है। तब मैं इसमें टमाटर डाल देती हूँ, मैंने लंबे लंबे स्लाइस में टमाटर को काटा है। तब मैं इसमें डाल देती हूँ और इसे थोड़ा सा फ्राई करते हुए अब इसमें पानी डाल देंगे ताकि ये ग्रेवी, मतलब गोभी आलू अच्छे से पक जाए। आप लोग अपने अनुसार ग्रेवी डालें, आप लोगों को जैसा पसंद हो। तो मैं थोड़ा सा आज पतला टाइप से बनाऊंगी, बहुत ज्यादा गाढ़ा गाढ़ा टाइप से नहीं, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पतला पानी डाल दिया है और इसे फौलाने के लिए ढककर छोड़ देंगे। ये देखिए, ये इस तरह से है, ठीक है। ये फौलाएगा तो और अच्छे से पकेगा ये। तो मैं इसमें ढक्कन ढक देती हूँ और इसे फौलाने के लिए 5 मिनट छोड़ देते हैं। ये सारा मछली देखिए फ्राई होके जो निकला है, ये सारा मछली है, ये वाला वो गोटा वाला मछली, ठीक है, और ये बाकी सारा पीसेज है, ठीक है। तो ये मैं अब ग्रेवी जब बनेगा तो फिर मैं ग्रेवी में इसे डाल दूंगी सारा मछली को। तो मैं ढक्कन खोलकर अब देख लेती हूँ कि ये कितना हो गया है, ठीक है। तो आलू देख लेती हूँ फ्राई, ये सिज गया है या नहीं, तो फिर उसके बाद मछली डाल देंगे इसमें। तो आलू जो है सिज गया है, अब मैं इसमें मछली डाल दूंगी। तो मैं इसमें मछली डाल देती हूँ, ये वाला फर्स्ट मछली और बाकी ये सारा पीसेस इसमें डाल देते हैं। और इसे एक बार चला देते हैं और इसमें खोल आने के लिए 5 मिनट छोड़ देते हैं। एक बार खोल आ जाएगा फिर मैं गैस बंद करके इसमें धनिया पत्ता डाल के गैस बंद कर दूंगी। मैं इसमें धनिया पत्ता डाल देती हूँ, अच्छे से खोल आ गया है तो मैं इसमें धनिया पत्ता डाल देती हूँ अच्छे से, और इसे अब गैस बंद कर देते हैं और इसे आपको सर्व करके दिखाते हैं। तो मैं इसे सर्व करके आपको दिखाती हूँ। तो ये हो गई मछली और ये है गोभी जो मैंने डाला है इसमें, और ये आलू, ठीक है। तब मैं इसमें ग्रेवी भी डाल देती हूँ। देखिए कितना पतला मैंने आज ग्रेवी बनाया है, ये देखिए, ठीक है। तो ये हो गया आज का मछली का रेसिपी। तो आप लोगों को आज का मेरा ये बंगाली वाला मछली का रेसिपी कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी, मुझसे कोई रेसिपी चाहिए, जैसे कि कुछ भी सब्जी में, नॉनवेज में या कुछ भी,
तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूले, ताकि मेरा वीडियो जैसे ही अपलोड मैं करूंगी आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल मिल जाएगा। तो जल्दी मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।